राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर के हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र में मिशन वन रक्षण अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ गो माता के नाम अभियान का शुभारंभ किया। सीएम भजनलाल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि गो माता ही हम सेवा करते हैं, यह सामाजिक सरोकार के कार्य हैं। साल 2014 के बाद पीएम मोदी ने कई सामाजिक सरोकार के कार्य किए, जिसमें स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पेड़ माँ के नाम सहित कई कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज से शुरू हो रहे मिशन वन रक्षण अभियान में हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पशुधन सहायक जीव प्रेमी है, वे मुंह से नहीं बोलने वाले बेजुबानों की बीमारी दूर करते हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि उनकी बीमारी में सहायक बनकर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आने वाली युवा पीढ़ी में भी यह संस्कार पेड़ लगाकर उन्हें दे दिया है कि वे सामाजिक सरोकार में कार्य करेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए वृक्ष लगाकर उसे पालने की व्यवस्था करें। क्योंकि हम गौ माता को गौ माता कहते हैं और गौशाला के माध्यम से हम गाय की सेवा भी करते हैं। और आज जो ये कार्यक्रम जो करने वाले हैं, मेरे को बताया 5100 पौधा लगाने वाले हैं, लेकिन पता चला कि उनकी संख्या भी बढ़ा करके आपने 7500 कर दिए। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमेशा हम सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, बुराइयों को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप देख रहे हैं आज के इस युग में जिस तरह से पेड़ों का कटना, नदियों का सूखना, पहाड़ों को कम होना, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा घातक है। आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई इस तरह के सामाजिक सरोकार के कार्य किए हैं। पहला काम आपने देखा होगा, गंदगी का आलम था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छता अभियान का नारा दिया था। आज वो नारा पूरे देश के अंदर जिस तरह से चल रहा है, सफाई के लिए हमारा हर व्यक्ति आगे आकर के उस सफाई को महत्व देते हुए उन्होंने काम किया है। यह कार्य का प्रारंभ भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। वहीं राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आरंभ हुआ। पिछले दिनों गोपालन निदेशालय की बैठक के दौरान मैंने एक पेड़ गौ माता के नाम करने का सुझाव दिया था। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है उसको पूरा करने का काम सभी विभागों ने, आम जन ने हाथ में लिया है। स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग भी आगे आकर के इसमें काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का बहुत बड़ा ये हिंगोनिया गौशाला में बहुत बड़ा और अनूठा कार्यक्रम था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की। हम लोगों ने भी ये तय किया है कि एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ गौ माता के नाम, इस अभियान की शुरुआत की है। हमारी डायरेक्टर, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे कैबिनेट मंत्री, सब लोगों ने उसको तय करके आगे बढ़ाने का काम किया है। हम राजस्थान में पर्यावरण संतुलन की ओर आगे बढ़ेंगे और इस अभियान को तेज गति से चलाया जाए। वहीं देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि अभियान के दौरान 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस अभियान से पर्यावरण संतुलन बनेगा और हम अन्य विभागों से ज्यादा पौधे रोकने के लिए मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है। कार्यक्रम के पश्चात परिसर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पौधारोपण किया। उनके बाद अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और आम जन ने भी पौधे लगाए। इस मौके पर नगर निगम, ग्रेटर महापौर सोमिया गुर्जर, RCDF MD सुषमा अरोड़ा और कई बड़े विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सहित कई गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हमारे विभाग के तो चारों विभाग है, पशुपालन, देवस्थान, गोपालन और डेयरी, इन चारों विभागों से हम पूरे राजस्थान भर में 25 लाख पौधे लगाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम लगाए। हम
हमने राजस्थान में एक उसके साथ में हमने और जोड़ा कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम और एक पेड़ अपनी गौ माता के नाम। मुख्यमंत्री जी ने भी टारगेट किया है कि पूरे राजस्थान में 7 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगे, तो इसी के तहत ये हमने आज जो अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाई है। तो निश्चित रूप से पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए भाई, पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, हमें छाया मिलती है, हमें फल फ्रूट मिलते हैं और पेड़ों के कारण से ही हम यहाँ जिंदा है। आपने कोरोना के समय देखा कैसी स्थिति पैदा हुई थी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो क्लाइमेट में ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, तो ये ऑक्सीजन देते क्लाइमेट है मैं ये पेड़ ही देते। आज जैसे तापमान का असंतुलन पैदा हो रहा है, पूरे बाड़मेर में देखो, जैसलमेर में देखो और अन्य जगह भी तापमान 50 से 53 डिग्री तक जा रहा है, तो ये असंतुलन का कारण भी पेड़ों की कटाई है। और निश्चित रूप से ये पेड़ों का हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो तापमान भी संतुलित होगा। द इंडियन फाउंडेशन के संस्थापक गणेश दत्त शर्मा ने बताया कि सीजन में उनका 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। पेड़ों की लगातार हो रही कटाई को लेकर शर्मा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम अभी यहाँ आज हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये 2-3 तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है, संख्या की दृष्टि से ही नहीं अपितु इस कार्यक्रम के जरिए हम एक संदेश भी देना चाहते हैं कि जो ये पेड़ लगे हैं ये पेड़ केवल लगा के छोड़ने नहीं है, ये कंटिन्यू हम इनकी देखभाल करेंगे और ये हमारा एक प्लानिंग भी है और हमारी योजना का हिस्सा भी है और हमारे संकल्प है ये कि हम जहाँ भी पेड़ लगाएंगे उनकी लगातार देखरेख हम करेंगे। इसके अलावा द इंडियन फाउंडेशन जो इस वृक्षारोपण के काम को आगे ले जा रहा है, हम कार्बन फार्मिंग की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट का एक व्यवसाय नए व्यवसाय के रूप में उभरने जा रहा है, इस व्यवसाय को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें किसान को फायदा हो, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इन पेड़ों को लगाए। आम आदमी जहाँ भी पेड़ लगाएगा वो उन पेड़ों की देखभाल भी करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि हम पेड़ लगाएंगे पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आम लोग अपनी आमदनी का जरिया भी ये बनाएंगे। हमारा लक्ष्य अभी 1 करोड़ वृक्ष का है, इस 1 साल में हम पूरी 1 साल में करीब 1 करोड़ वृक्ष हम लगाने जा रहे हैं। हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र जयपुर नगर निगम की सहायता से पशु कल्याण और सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह केंद्र परित्यक्त या बीमार गायों के लिए बेहतर पोषण और वातावरण प्रदान करने न केवल उनकी पीड़ा कम करता है बल्कि समाज के भीतर पशु कल्याण और उनकी विनम्र सेवा के महत्व को भी बढ़ावा देता है।